न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। औरंगाबाद रफीगंज थाना क्षेत्र के लबरी गांव स्थित राजा ईट भट्टा पर हुई नाइट गाइड हत्याकांड का उद्भेदन पुलिस ने कर ली है। इस घटना में एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है। मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर एसपी कांतिस कुमार मिश्रा ने बताया कि मोहम्मद निसाद अहमद के लिखित आवेदन के आधार पर राजा ईट भट्टा के नाइट गार्ड कामेश्वर यादव की हत्या अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा सिर में गोली मार देने के आरोप में रफीगंज थाना कांड संख्या 99/22 आर्म्स एक्ट दर्ज कर लिया गया था। वादी द्वारा अपने आवेदन में बताया गया है कि बाबा पुंजी उर्फ पुजारी उर्फ दयानंद यादव द्वारा गार्ड से भट्टा मालिक से लेबी घटना से 3 दिन पूर्व मांगा गया था। मोबाइल नंबर नहीं देने पर घटना कारित करने का संदेह व्यक्त किया गया था। उक्त घटना के सफल उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गौतम सरन ओमी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं गुप्तचर के सहयोग से कांड का सफल उद्भेदन करते हुए कांड के मुख्य अभियुक्त बाबा पुंजी उर्फ पुजारी उर्फ दयानंद यादव को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कांड के खुलासा करने वाले पुलिस पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा। थाना अंतर्गत ईट भट्टे पे हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और करीब 1.5 महीना इस काम में लग गया। और इसमें जो मुख्य आरोपी है बाबा पुंजी उर्फ पुजारी दयानंद यादव लबरी गांव थाना रफीगंज का, इसको उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये एक पेशेवर अपराधी है और इसके ऊपर कुल 5 मामले दर्ज हैं अलग अलग। इसमें लूट के मामले हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं और लेटेस्ट जो मामला है वो हत्या का मामला है। तो इसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है और घटना में प्रयुक्त मोबाइल को बरामद किया गया है। इस कांड को उद्भेदन करने में SHO रफीगंज रामिकबल यादव का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके अलावा प्रोबेशनर SI सरस्वती कुमारी, उन्होंने भी इसमें अच्छा कार्य किया है और DIO के सहयोग से ये उद्भेदन हुआ है। पिछली जो घटना हुई थी हत्या का, उसमें ऐसा मामला प्रकाश में आया था कि ये व्यक्ति संबंधित ईट मालिक से रंगदारी मांगने की बात कर रहा था और उनका नंबर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। तो ये पेशेवर अपराधी है और ये हत्या का एक महत्वपूर्ण मामला हम लोगों ने उद्भेदन किया गया है। और इस उद्भेदन कार्य के लिए जो टीम ने काम किया सबको पुरस्कृत किया जाएगा और एक महत्वपूर्ण सफलता है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।